हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सिकंद कुमार, आपको SS2NM में स्वागत करता हूं। आज आपको हम घुमाने के लिए लेके जाएंगे, बाइक में कैसे जा सकते हैं, ऑटो में कैसे जा सकते हैं, पूरा जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। उधर जाके पूरा आपको दिखाऊंगा वो प्लेस कैसा है, क्या क्या है, सब कुछ आज पूरा आपको फुल डिटेल्स में जानकारी आपको साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो से शुरू करने से पहले आपको एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो अभी चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी बाइक में जा रहे हैं हनुमंतपुरा से आधा किलोमीटर आगे आने के बाद राइट साइड जाने का। अभी हम लोग राइट में जाएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे जाना है, आपको पूरा बताऊंगा। मैं वीडियो में पहले से ही बताया था आपको कि आज पूरा जानकारी आपको दें। तो इस रोड में आप पूरा जाएंगे, कैसे कहाँ जाना है पूरा बताऊंगा। आज आपको हाड़ीवा गिल्लू वाटरफॉल हम लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हो रोड थोड़ा गंदा है। आप बाइक में जाओगे तो अच्छा से जा सकते हो, और हम ऑटो से भी बात किया था तो 500-600 में आपको घुमा के लेके आएगा। क्यों इतना प्राइस लेगा मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उधर आपको रुक के थोड़ा घूमने का, स्विमिंग करने का, वाटरफॉल का पूरा एंजॉय लेने का, इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज लग सकता है। वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम उधर रुकना चाहते हो, कितना टाइम आप उधर स्विमिंग करना चाहते हो, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वो ऑटो वाला प्राइस आपसे लेगा। तो अभी चलो उधर हम लोग फिर एंजॉय करते हैं, शेयर करेंगे आज का दिन कैसा रहा, आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे हम। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। हनुमतपुरा से 7 किलोमीटर है और हासन से आपको 14 किलोमीटर लग जाएगा आप बाइक में आते हैं तो। आप उसी हिसाब से आप कैलकुलेटर कर लो, ऑटो में आए हुए तो कितना पैसा लगेगा। तो अभी हम लोग तो अभी और बहुत टाइम लग जाएगा, आप वहाँ पे पहुँच के पूरा आपको जानकारी देंगे, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं हम लोग। एक चीज़ मेरे को इधर अच्छा लगा, रोड अभी 2-3 किलोमीटर बेकार है, उसके बाद रोड अच्छा है, पूरा इतना अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने के लिए। और प्लेस देखो, यहाँ पे एक मंदिर भी आप है, चाहो तो उधर दर्शन कर सकते हो। हम आने का टाइम मीट करेंगे, आप देख सकते हो ऑटो भी आता है। रोड 2 किलोमीटर सिर्फ बेकार है, बाकी जो है अच्छा है, रोड इतना बेकार नहीं है। आगे आप पूरा इधर गाड़ी खड़ा करके आप फोटो भी ले सकते हो, व्यू आप देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है व्यू। पूरा आप एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो मेरे साथ, पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा मैं। बाइक में जा रहा है तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा बेकार आ सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
यहाँ से लेफ्ट साइड जाने का। तो अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं हेलुगलु वाटरफॉल में। आप मेरा पीछे देख सकते हैं कितना ऑटो कितना लड़की घूमने आ रहे हैं। तो आप उधर फैमिली लेके आ सकते हैं या आप प्यार करते हैं किसी से तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी इधर घूमने आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो दिन है आज मेरे को बहुत एक्साइटेड लग रहा है। पूरा मौसम भी सुहाना बना दिया है, मौसम सुहाना और वो प्लेस भी सुहाना है। आप देख सकते हैं कितना सब घूमने के लिए आए हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, सब देख सकते हैं। नज़ारा बहुत सुहाना लग रहा है। पूरा आज आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वो जगह का नाम हालुगेडु वाटरफॉल, जो कि हासन से 14 किलोमीटर, हनुमंतपुरा से 7 किलोमीटर। आप ऑटो में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या बाइक में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नज़ारा लुप्त उठाइए, हमारा साथ जुड़ी रहिए, और भी मज़ा आपको आएगा। और आगे हम धीरे धीरे लास्ट एंड तक जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे सहयोगी है, लाइक के लिए बोल रहा है, वीडियो देख के लाइक ज़रूर कर देना। वाटरफॉल का व्यू तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और वीडियो का लुत्फ़ उठाइए और वाटरफॉल का भी लुत्फ़ उठाइए। और साउंड क्वालिटी थोड़ा बेकार आ सकता है क्योंकि वहाँ पे जो पानी का साउंड ज़्यादा हो जाता है, तो माफ़ कर देना। पानी का भी एक साउंड है, आप महसूस करो और भी अच्छा लगेगा आपको। देख सकते हो यहाँ पर आके आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा पीछे कितना लड़की और लड़का सब फोटो ले रहे हैं। कुछ फोटो आपके साथ लास्ट में, वीडियो का लास्ट में आपके साथ कुछ शेयर कर दूंगा। तो अभी दूसरा और चलते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा हम लोग लास्ट तक आ गए हैं फाइनली। कितना भीड़ है देख सकते हैं आप, कितना लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। आप भी इधर आइए, ज़रूर एक बार विजिट कीजिए यहाँ पे। और साइड में देखिए एक नज़ारा है, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है।
और स्विमिंग के बाद जो मैं कर रहा था, अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी हो जाता है, कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम भी स्विमिंग नहीं। तो धूप का टाइम इधर आओगे तो स्विमिंग करने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा, आप स्विमिंग कर सकते हो। अभी थोड़ा ठंडी का टाइम है इसीलिए मना कर रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना नज़ारा है, मौसम में आज पूरा सुहाना बना दिया है आपके लिए। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आप कुछ मिस कर देंगे। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगा अगले एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तो विदाई लेता हूँ आपसे। नमस्ते, जय हिंद।